हेलो नमस्कार नमस्ते। मैं पहले ही आपको बोल रहा हूं कि ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल भी होने वाली है और मैं आपको बहुत सारी बेहतरीन यहां पे ट्रिक्स भी बताने वाला हूं। तो कृपया करके जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 10 ट्रेंड्स करने वाले हैं, 10 ट्रेंड हम करने वाले हैं। वो कौन से रहेंगे, है ना? देखो मैं आपको ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपका वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला ट्रेंड हम करने वाले हैं कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ जाए वो कैसे सॉल्व करना है। सेकंड, फजान्स रूल पोलराइजेशन करने वाले हैं। फिर ये तीनों हम साथ में करेंगे, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर हम करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। फिर हम बॉन्ड पैरामीटर, जिसमें चार अपने ट्रेंड आ जाएंगे, एक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने पहले ट्रेंड के साथ, जो कि है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। ये अपनी पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, ठीक है? ये अपनी क्या है, मेन ट्रिक है, ये अपनी मेन ट्रिक रहेगी जो अप्लाई होगी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में। और इस ट्रिक की सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एक्सेप्शन है, जो कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं, ठीक है? अब पी ब्लॉक के हाइड्राइड क्या होते हैं, देखो पी ब्लॉक मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा और हाइड्राइड मतलब उसके साथ हाइड्रोजन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब अपनी मेन ट्रिक क्या बोलती है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर वो एक्सेप्शन ना हो, अगर वो पी ब्लॉक का हाइड्राइड ना हो, तो क्या ट्रिक अपने को अप्लाई करनी है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या ठीक उसके ऑपोजिट हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखते हैं वो तो अपने को सिंपल तरीके से पता है कि मान लीजिए भाई ये पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉमन सा क्या ऑर्डर चलता है कि अब हम देखो ये है अपना ग्रुप है, तो ग्रुप में ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज बढ़ रही है, और पीरियड में हम इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ये मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा, है ना? ग्रुप में जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, और पीरियड में ये वाला ट्रेंड चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये सबको अब पता है, ठीक है? अब एक्सेप्शन हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड, ठीक है? अब देखो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कि कहीं हमसे एक्सेप्शन तो नहीं पूछ ली, है ना? सबसे पहले एक्सेप्शन से बचना है। तो एक्सेप्शन क्या है, पी ब्लॉक के हाइड्राइड, तो इसमें देखो पी ब्लॉक के एलिमेंट ही कहीं नहीं दिख रहा है ना, कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, मतलब ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, और क्या है, ऑक्साइड है, हाइड्राइड नहीं है, तो ये एस ब्लॉक के क्या है, ऑक्साइड है, तो मतलब इसमें एक्सेप्शन वाला केस नहीं है। इसमें अपनी मेन ट्रिक लगेगी, इसमें अपनी मेन ट्रिक लगेगी। तो मेन ट्रिक क्या बोलती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। देखो ऑक्सीजन तो सब में सेम है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को नहीं चेक करनी है, किसकी चेक करनी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब देखो बेरिलियम क्या होगा, ग्रुप में सबसे ऊपर है, कैल्शियम इन तीनों में सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो बेरिलियम की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में सबसे ऊपर है तो सबसे ज्यादा हो जाएगी, और कैल्शियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ वाला है। सबसे पहले अपने को चेक करना है कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड तो नहीं पूछ लिया अपने से। तो यहां पे देखोगे ये हाइड्रोक्साइड है किसके हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब एस ब्लॉक के हैं, तो ये एक्सेप्शन वाला केस नहीं है। यहां पे अपनी मेन ट्रिक अप्लाई हो रही है। तो मेन ट्रिक क्या बोलती है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? अब ग्रुप की बात करें तो लिथियम सबसे ऊपर होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे ज्यादा है, और पोटेशियम की इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाएगी। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था, तो ये ऑर्डर अपने पास यहां पे बन जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ अपने को बतानी है, तो ये HF है, HCl है, HBr है, HI है। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को चेक करना है कि P ब्लॉक के हाइड्राइड तो नहीं पूछ लिए। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन P ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब ये P ब्लॉक के हाइड्राइड है। मतलब यहां पर अपनी मेन ट्रिक नहीं लगेगी, यहां पर अपनी ये वाली ट्रिक लगेगी। ये ट्रिक क्या बोलती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के, और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइज के। अब साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है तो अपने को साइज देखना है। अब देखो हाइड्रोजन तो सब में बराबर है तो इसका तो साइज हम नहीं देखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, उससे कम है ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का, और सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का। तो सबसे बड़ा साइज जिसका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था साइज उसका, ये एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप पूरी ट्रिक समझ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रेंड कौन सा आएगा, अपना फजांस रूल आ जाएगा, जिसको ना पोलराइजेशन का क्वेश्चन भी हम अब बोल देते हैं अक्सर। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें कैसे चलना है। देखो पोलराइजेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनिक कैरेक्टर के। अब आप पूछोगे ये कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन ही ऐसे पूछा जाएगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करके बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करके बताओ, है ना, इस तरीके से ही इसमें क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो पोलराइजेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनिक कैरेक्टर के। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करना है, देखो इसमें दो रूल लगाने हैं, पहला रूल और दूसरा रूल। पहले रूल से क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर पहला रूल अपना फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, तब हमें आगे बढ़ना है अपने दूसरे रूल की तरफ। पहला रूल क्या बोलता है कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो हो गया कोवेलेंट आयनिक, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब वो चार्ज चाहे कटायन का हो चाहे अनायन का हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस मैग्नीट्यूड देखना है कि जिसका भाई चार्ज ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, सिंपल बात खत्म है। तो इस चार्ज वाले रूल से क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया बात है, बट अगर चार्ज बराबर हुआ तो ये रूल अपना फ्लॉप हो जाएगा, फिर हमें दूसरे रूल की तरफ जाना पड़ेगा कि पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। अब बहुत बच्चे एग्जाम में यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली था कि इनवर्सली था। तो इसकी सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, पैनासोनिक का एसी पी से क्या है, अपनी पोलराइजेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए फॉर एनायन, साइज ऑफ एनायन, और क्या है ये साइज ऑफ कटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पैनासोनिक का एसी ये अब आपको कभी नहीं भूलेगा, है ना। मैंने क्या बोला है, पहला रूल जो लगाना है वो चार्ज वाला लगाना है, हालांकि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना। अब चार्ज वाला रूल अगर फ्लॉप हो जाता है कि चार्ज बराबर आ जाता है तो हम दूसरे रूल की तरफ जाएंगे, ये साइज ऑफ एनायन कटायन। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं कि कोवेलेंट करेक्टर अपने को बताना है। अब कोवेलेंट करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के। अब पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के, तो हमें चार्ज यहां पे देखना है। देखो यहां पे एक क्लोरीन है तो सोडियम पे कितना होगा, प्लस वन होगा। मैग्नीशियम पे दो क्लोरीन है यहां पे तो प्लस टू हो जाएगा, यहां पे तीन क्लोरीन है तो यहां पे प्लस थ्री हो जाएगा। तो पहला रूल अपना ये है, दूसरा ये है। तो पहला रूल क्या बोलता है कि सिर्फ अपने को चार्ज देखना है, जिसपे चार्ज ज्यादा है चाहे वो प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चार्ज ज्यादा है उसकी पोलराइजेशन ज्यादा है। तो इस पे देख लो एल्यूमिनियम पे सबसे ज्यादा चार्ज है तो इसकी पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी, और पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कोवेलेंट कैरेक्टर अपने को बताना है कुछ इस पे। ठीक है, सबसे पहले चार्ज देखते हैं। देखो इस पे प्लस टू चार्ज है, इस पे भी प्लस टू चार्ज है, और इस पे भी क्या है प्लस टू चार्ज है। मतलब क्या है, चार्ज तीनों में बराबर आ गया, मतलब पहला रूल जो है अपना वो फ्लॉप हो चुका है। अब पहला रूल फ्लॉप हो गया तो हमें जाना पड़ेगा अपने दूसरे रूल के पास, जो बोलता है साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज ऑफ कटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहां पे देखो यहां पे एनायन क्या बनेगा, एनायन बनेगा क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन जो सब में इक्वल है, तो क्लोरीन से तो आंसर नहीं आने वाला, एनायन से तो आंसर नहीं आने वाला, आंसर आएगा कटायन से। अब कटायन का जितना बड़ा साइज होगा पोलराइजेशन उतनी कम होगी। तो इनमें देखो अपने को ग्रुप में पता
पता है क्या होगा, बेरिलियम का साइज सबसे कम होगा, ठीक है, और कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा होगा। बेरिलियम का साइज सबसे कम होगा, देखो पीरियोडिक टेबल है मान लो ये, है ना, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बेरिलियम का साइज सबसे कम होगा तो इसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसका साइज सबसे बड़ा होगा तो पोलराइजेशन सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, साइज ऑफ कटायन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अपने को कोवेलेंट करेक्टर बताना है, कोवेलेंट करेक्टर मतलब सीधे सीधे अपने को पोलराइजेशन देखनी है। अब पहला रूल क्या है, चार्ज अपने को देखना है, ये फ्लॉप हो गया तो हमें दूसरे रूल पर जाना है। तो चार्ज सबसे पहले हम क्या है, चार्ज देखते हैं, देखो यहाँ पे Br2 Cl2 F2 मतलब क्या है, इस पे भी क्या आएगा, प्लस टू आएगा, इस पे भी प्लस टू आएगा, इस पे भी प्लस टू आएगा, सब पे क्या आ गया चार्ज, प्लस टू, मतलब चार्ज तो बराबर है, मतलब पहला रूल अपना फ्लॉप हो गया चार्ज वाला। अब हमें जाना पड़ेगा आगे, अब आगे में क्या है, हमें साइज ऑफ अनायन और साइज ऑफ कटायन के साथ खेलना है। अब यहाँ पे अनायन क्या बनेगा, फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और कटायन क्या है, तीनों में कैल्शियम है, तो कटायन से तो आंसर नहीं आने वाला, तो अनायन क्या है, अब साइज ऑफ अनायन से आंसर आने वाला है, तो साइज ऑफ अनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन, मतलब साइज ऑफ अनायन जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी। तो इन तीनों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में सबसे बड़ा साइज किसका है, ब्रोमीन का है, सबसे कम साइज किसका है, फ्लोरीन का है, तो जिसका साइज सबसे ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी, इस तरीके का ऑर्डर बन जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। मेरे ख्याल से क्लियर है ना, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीन अपने ट्रेंड्स आएंगे जो कि एटॉमिक साइज, दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। एटॉमिक साइज तो सिंपल है, एटम का साइज है, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक है ना कि ये एक एटम है और ये इसके आउटर मोस्ट शेल है और आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल है। अब जिसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी, है ना, जिसमें कम एनर्जी लगेगी उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी, सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि हम जब इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, ये क्या है, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है प्यार, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन से, कि इलेक्ट्रॉन से इसको कितना प्यार है, कितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब बारी बारी से हम बात करने वाले हैं और इस पे बात करने के लिए तीन चीजों पे हम बात कर रहे हैं ना, किस पे, एटॉमिक साइज पे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनको मैं डिनोट कैसे कर दूंगा, एटॉमिक साइज को AS से डिनोट करूंगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल को IP से डिनोट करूंगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को EA से डिनोट करूंगा, तो समझ जाना। देखो ये पीरियोडिक टेबल है, तीनों में मैं कॉमन ट्रेंड आपको बताता हूं, कॉमन ट्रेंड क्या चलता है, फिर इनकी एक एक जो एक्सेप्शन है उस पे बात करेंगे, वहीं से क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। कॉमन ट्रेंड क्या चलेगा, देखो जो एटॉमिक साइज है उसका ट्रेंड ऐसे चलेगा कि नीचे आने पे ग्रुप में जब बात करें तो नीचे आने पे एटॉमिक साइज क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, मैंने ये एरो बनाया है, मतलब नीचे आने पे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इस डायरेक्शन में पीरियड में बात करें तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एरो का मतलब है इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहां पे इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, और ये बात कर रहे हैं हम किसकी, AS यानी एटॉमिक साइज की हम बात कर रहे हैं, तो ये इसका कॉमन ट्रेंड हो गया। बाकी दो की बात करें, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो ठीक इसके ऑपोजिट कर दो कि ऊपर जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऊपर जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इधर जाने पे इंक्रीज होगा। ये हमने किसकी बात की है, ये हमने बात की है आयनाइजेशन पोटेंशियल की प्लस किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ये कॉमन ट्रेंड है, ठीक है। एटॉमिक साइज की हमने क्या बात की, एटॉमिक साइज की, कि नीचे आने पे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इधर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। और आईपी और ईए में क्या किया हमने, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या देखा, ऊपर जाने पे इंक्रीज है और इधर जाने पे इंक्रीज है। तो ये तो हो गया एक कॉमन ट्रेंड, ये तो हो गया एक कॉमन ट्रेंड जो कॉमन आपको काम आ जाएगा। बट अब इनकी एक एक एक्सेप्शन होती है जो आपको ध्यान में रखनी है और उसपे बहुत प्यारे क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी एक्सेप्शन की,
एटॉमिक साइज में क्या केस पूछा जाएगा, एटॉमिक साइज में, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली देखो अगर यहां पे बात की जाए आपसे इस लाइन में, नॉर्मली क्या होना चाहिए एटॉमिक साइज, नीचे आने पे, नीचे आने पे दूसरा कलर लेता हूं, नीचे आने पे क्या है इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना, कि ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा। बट यहां पे जो जर्कोनियम, इस पे ध्यान दीजिए, जर्कोनियम और हाफनियम पे आपको ध्यान देना है, है ना। यहां पे होना क्या चाहिए कि हाफनियम का साइज जर्कोनियम से बड़ा होना चाहिए कॉमन ट्रेंड के अनुसार, बट होता क्या है इनका साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, बराबर सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है बराबर सिमिलर होता है। और उसका रीजन क्या होता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका रीजन होता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और यही क्वेश्चन इसका बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, ठीक है, बहुत बार, कि टेक्निकली हाफनियम जो है वो बड़ा होना चाहिए जर्कोनियम से, ना कि नीचे आकने की तरफ, बट इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, रीजन क्या है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यही आपको एटॉमिक साइज की क्या है एक्सेप्शन याद रखनी है, ठीक है। अब सेकंड मैं आपको एक्सेप्शन बताने जा रहा हूं, किसकी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की एक्सेप्शन बताने जा रहा हूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल की। देखो नॉर्मली होना क्या चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल में, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो लिथियम का क्या है, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम होना चाहिए, फिर बेरिलियम से ज्यादा बोरोन, फिर कार्बन उससे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन उससे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन उससे ज्यादा, फिर फ्लोरीन उससे ज्यादा, फिर नियोन सबसे ज्यादा। तो ये नेचुरली होना चाहिए था, बट होता क्या है, होता क्या है यहां पे देखो, होता क्या है, लिथियम की जो, मैं कलर दूसरा सेलेक्ट करता हूं, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ब्लू कलर लेते हैं। लिथियम की जो कॉन्फिगरेशन है वो है S1, बेरिलियम की कॉन्फिगरेशन है S2, ठीक है, बोरोन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी P1, कार्बन की होगी P2, नाइट्रोजन की होगी P3, ऑक्सीजन की होगी P4, फ्लोरीन की होगी P5 और नियोन की होगी P6, ठीक है। अब नेचुरली क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाने पे इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बट यहां पे दिक्कत क्या है, ध्यान दीजिए, जो S2 है वो क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, S2 क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, और जो P3 है वो क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड। P6 फुल्ली फिल्ड है बट वो तो लास्ट में है, उससे दिक्कत अपने को आएगी नहीं, ठीक है। तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और हम देख क्या रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल देख रहे हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में देखना क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है, तो भाई ये फुल्ली फिल्ड है तो ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा, और ये हाफ फिल्ड है तो ये भी इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने ही नहीं दे रहे, है ना। कितनी ज्यादा हो जाएगी, सिंपली इनको एक एक पॉइंट जंप करा दीजिए, एक पॉइंट जंप कैसे, देखो लिथियम के बाद आना चाहिए था बेरिलियम, उसके बाद आना चाहिए था बोरोन, सिंपली क्या करिए कि बेरिलियम को इस बोरोन से आगे पहुंचा दीजिए, एक पॉइंट जंप कराना है सिर्फ आपको, याद रखना सिर्फ एक पॉइंट जंप कराना है, ठीक है। अब कार्बन के बाद आना चाहिए था नाइट्रोजन, फिर आना चाहिए था ऑक्सीजन, बट मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट जंप करा दीजिए फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड को, तो नाइट्रोजन जंप करके किससे आगे निकल जाएगा, ऑक्सीजन से आगे निकल जाएगा, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर नियोन, बाकी नेचुरली चलेगा, ठीक है। तो ये हमने इसकी एक्सेप्शन भी यहां पे देख ली आयनाइजेशन पोटेंशियल की। अब हम किसकी एक्सेप्शन देखने वाले हैं, अब हम एक्सेप्शन देखने वाले हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। देखो इन कॉमन अगर हम यहां पे बात करें, है ना, मान लो हम ये चार अपने चार ग्रुप ले लेते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, है ना, चार ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो इन कॉमन होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रही है, ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रही है, मतलब कुछ ऐसे आना चाहिए था, है ना, ये आना चाहिए था ना, ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रही है, ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रही है, ये ऑर्डर आना चाहिए था, ये ऑर्डर आना चाहिए था ना, ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रही है, बट यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। होता क्या है, देखो होता क्या है, देखो ये जो बोरोन है इसका साइज बहुत छोटा है, बोरोन बहुत छोटा है, फिर एल्यूमिनियम का थोड़ा बड़ा साइज है, फिर गैलियम का उससे बड़ा है, फिर इसका और बड़ा हो जाएगा, सेम ऐसे ही होगा कि ऑक्सीजन का बहुत छोटा साइज है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। मतलब जो सबसे ऊपर है उनका साइज बहुत छोटा है। अब साइज बहुत छोटा होने के कारण इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और इनके जो सबसे नीचे हैं जिनका साइज बड़ा है उन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है। अब इनको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन इनको देना है। अब इलेक्ट्रॉन जब आप इसको दोगे, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन कहां होगा, सबसे ऊपर वालों में ही ध्यान रखना है कि जो बहुत छोटे साइज के हैं, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कि बहुत छोटे साइज के हैं वहां इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी है ना प्यार नहीं करेंगे, लेना पसंद नहीं करेंगे। तो होना क्या चाहिए था, नेचुरल ऑर्डर है ना, फिर से मैं आपको बता दूं, नेचुरल ऑर्डर होना क्या चाहिए था, ये नेचुरल ऑर्डर होना चाहिए था। बट होता क्या है, इनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी रिपल्शन के मारे कि इलेक्ट्रॉन को लेना उतना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। तो ये हो जाएगा इनका, ये एक्सेप्शन आपको याद रखने, कहां पे है, सिर्फ यहां पे एक्सेप्शन दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ये आपको याद रखना है। तो अब देखो, अब हम करने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में चार चीजें अपने को पढ़नी है, एक बॉन्ड लेंथ, एक बॉन्ड एनर्जी, एक बॉन्ड ऑर्डर एंड एक बॉन्ड एंगल। तो बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं, अपने बॉन्ड लेंथ के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ देखने के लिए सिंपल सा फंडा आपको बताता हूं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तीन चीजों के। कौन सी तीन चीजें, पहली है डेल्टा ई एन, डेल्टा ई एन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। दूसरी चीज है परसेंटेज एस करेक्टर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी है बॉन्ड ऑर्डर, उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुनते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो तीन चीजों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक तो डेल्टा ई एन, एक परसेंटेज एस करेक्टर और एक क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, ये बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन हमारे पास आया, HI, HBr, HCl, HF, इसमें बॉन्ड लेंथ को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हमें पता है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, याद नहीं करनी आपको। फॉर एग्जांपल बता देता हूं, लगभग आइडिया दे देता हूं कि 2.2 होती है मान लो, ठीक है। अब यहां पे बाकी के क्या है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 4 के बराबर होते हैं ना, आपको पता है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा लगभग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 4 के बराबर है, और कम होती जाएगी, फिर कम होती जाएगी। आयोडीन की लगभग कितनी होती है, 2.6 होती है। तो जाहिर सी बात है इसकी 2.6 से थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी उससे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन की 4 होगी। मतलब डेल्टा ई एन की बात करें, तो हाइड्रोजन की कितनी है, 2.2 है, तो डेल्टा ई एन सबसे ज्यादा किसमें होगा, HF में होगा, और डेल्टा ई एन की बात करें तो सबसे कम किसमें होगा, HI में होगा। तो डेल्टा ई एन जहां सबसे ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। यहां डेल्टा ई एन सबसे कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, ये ऑर्डर अपने पास बन जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे अपने को बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, तो बॉन्ड लेंथ का हमने क्या देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर, ये दोनों पॉइंट इसी से समझ में आ जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर और परसेंटेज एस करेक्टर देखते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर यहां कार्बन कार्बन के बीच का देखें तो यहां पे 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, और यहां पे 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, यहां पे 1 बॉन्ड ऑर्डर है। तो जहां पे जितना कम बॉन्ड ऑर्डर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम क्या, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। परसेंटेज एस करेक्टर देखना चाहो वो भी यहीं से आप देख सकते हो। देखो ये कार्बन एक बॉन्ड, यहां पे इसके 3 बॉन्ड बनेंगे, कॉमन सेंस की बात है, यहां पे इसके 3 बॉन्ड बनेंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुके हैं, इनके 2-2 बॉन्ड बनेंगे। ये 3 बॉन्ड बना चुके हैं, इनका 1-1 बॉन्ड बनेगा, है ना। तो यहां पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहें, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहे, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन लिख लो चाहे इसकी लिख लो, कितनी आएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 आएगी। और यहां पे अगर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, sp2 आएगी। यहां पे लिखेंगे तो कितनी आएगी, sp आएगी। तो परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, 50% है, और यहां पे लगभग 33% हो जाएगा, और यहां पे कितना बन रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर 25% बन रहा है। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, उतनी कम क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ। तो सेम ऑर्डर अपना इससे भी बन जाएगा।
ठीक है। तो ये बोन्ड लेंथ के क्वेश्चन हो गए ना। बोन्ड लेंथ में इतना कुछ नहीं है, वही है, ये सिंपल फंडा याद रखना। अब नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं बोन्ड एनर्जी। तो बोन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बोन्ड एडर के, और क्या है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बोन्ड लेंथ के। तो ये अपने सामने क्वेश्चन आ गया बोन्ड एनर्जी का, HI, HBR, HCl, HF। तो अभी अभी हम देख के आए हैं कि बोन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आया था HI, HBR, HCl, HF में, वो क्या आया था कि HI की सबसे ज्यादा क्या थी, बोन्ड लेंथ की, है ना। और यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है बोन्ड लेंथ और बोन्ड एनर्जी में, तो HI की बोन्ड लेंथ सबसे ज्यादा थी तो इसकी बोन्ड एनर्जी सबसे कम हो जाएगी और ये ऑर्डर बन जाएगा, ठीक उसके ऑपोजिट कर देना है। बोन्ड एनर्जी इसमें तो देखो कॉमन सेंस की बात है, यहां पे तीन बोन्ड है तो इसको तोड़ने में बहुत मुश्किल होगी, दो बोन्ड है तो थोड़ी कम मुश्किल होगी, एक बोन्ड है तो ये तो आसानी से टूट जाएगा। तो बोन्ड एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है बोन्ड ऑर्डर के, कि बोन्ड ऑर्डर यहां पे तीन था, यहां पे दो था, यहां पे एक था। तो जितना ज्यादा बोन्ड ऑर्डर होगा बोन्ड तोड़ने में उतनी दिक्कत होगी, तो उतनी ही ज्यादा बोन्ड एनर्जी। बोन्ड एनर्जी क्या होती है कि बोन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बोन्ड ऑर्डर की, इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है, ऐसे लिख लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब यहां पे 14 पे फोकस करिए और 14 के नीचे 3 लिख दीजिए। अब उधर भी 0.5 कम करते चलिए, इधर भी 0.5 कम करते चलिए, कुछ इस तरीके से, ये 2.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से यहां पे ये 2.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का पूछ लिया। अब ऑक्सीजन O2 में जो इलेक्ट्रॉन सम होएगा वो कितना बन जाएगा, 16। इलेक्ट्रॉन सम कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अब 16 पे देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अब लास्ट में अपना टॉपिक क्या बचता है, बॉन्ड एंगल बचता है, तो बॉन्ड एंगल को अब हम करने वाले हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो आपको दे दिया कि ये दे दिया आपको BCl3 एंड CCl4, अब इसमें बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, बॉन्ड एंगल हमें चेक करने के लिए हमेशा क्या है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो बॉन्ड एंगल में मैं अपना पैटर्न बता देता हूं कैसे करते हैं हम काम, कैसे करते हैं। देखो यहां पे अपने को क्या है, चार रूल देखने को मिलेंगे, चार रूल्स यहां पे देखने को मिलेंगे, और काम कैसे करना है, देखो कोई भी मान लो ये अपने पास क्वेश्चन आया बॉन्ड एंगल का, तो हम भागे भागे जाएंगे किसके पास, फर्स्ट रूल के पास। अब फर्स्ट रूल से अपना आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, गाड़ी यहीं रुक जाएगी, बट अगर इससे आंसर नहीं आया तो जाएंगे सेकंड के पास। अब सेकंड से आंसर आ गया तो गाड़ी यहीं रुक जाएगी, अपना आंसर खत्म है, ठीक है। बट इससे भी आंसर नहीं आया तो इसके पास जाएंगे, इससे आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं आया तो जाएंगे फोर्थ के पास, और फोर्थ से तो अपना आंसर फाइनली आ ही जाएगा, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि हमें आगे कैसे कैसे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा या नहीं भी जाना पड़ेगा, वो हम देखेंगे एक एक रूल्स के बारे में जब हम देखेंगे। अब देखो इन चार रूल्स के सहारे अपनी सारी कहानी यहां पे चलने वाली है। बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अपना पैटर्न क्या है, सबसे पहले जाएंगे पहले रूल के पास, पहले रूल से काम बना तो ठीक है, नहीं तो दूसरे के पास, दूसरे से काम बन गया तो ठीक बात है, नहीं तो जाएंगे तीसरे के पास, तीसरे से काम बना गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे फोर्थ के पास, और फोर्थ से तो लास्ट में काम अपना बन ही जाएगा, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि BeCl2 एंड BCl3 इसमें क्या है बॉन्ड एंगल, इसमें क्या है आप बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताओ। तो मैंने क्या बोला, बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले जाएंगे अपने पहले रूल के पास कि चेक हाइब्रिडाइजेशन, क्या है चेक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। देखो BeCl2 कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ये ऐसा दिखने वाला है, और BeCl3 कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये BeCl2, ये BeCl3। अब हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इजीली आप बता दोगे इसमें क्या है SP है, और SP है तो ये एंगल कितना होगा अपना 180 डिग्री होगा, और इसको देख के आप इजीली बता दोगे कि कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे अलग ही पता चल रहा है कि ये 180 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो ये बॉन्ड एंगल BeCl2 में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉन्ड एंगल कंपेयर करो BF3 एंड BCl3 का, तो मैंने क्या बोला कि बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले जाएंगे पहले रूल के पास कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इनकी देख लेते हैं। देखो BF3 कुछ ऐसा सा दिखेगा, ऐसा सा ज्योमेट्री अपने को दिखेगी, और BCl3 की भी कुछ ऐसी सी ज्योमेट्री अपने को दिखेगी। अब हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखने से ही पता लग रही है sp2, और इसकी
इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब गड़बड़ क्या हुई कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सिमिलर आ गई, सेम आ गई। मतलब क्या है, अपना जो पहला रूल है वो यहां पे हो गया फ्लॉप। अब हम जाएंगे अपने दूसरे रूल के पास। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर अब्सेंट हो तो हम क्या करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन, ये लोन पेयर वाली बात पे मेरे पे ध्यान देना कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर अब्सेंट है, लोन पेयर अब्सेंट, देखो बोरोन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, बोरोन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो BF3 और BCl3 में क्या है, बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस बात पे मैं फिर से जोर दे रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर अब्सेंट है, क्योंकि लोन पेयर अगर प्रेजेंट होगा तो बहुत बातें अलग हो जाएंगी, ये सिमिलर नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। बॉन्ड एंगल जब अब्सेंट है तो ये इक्वल होगा। इस बात पे मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पे 5 स्टार 10 स्टार लगा लेना, इस बात पे लोन पेयर वाली पे ध्यान रखने। ठीक है, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। अब देखो, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि CH4 और NH3 में आप कंपेयर करके बताओ, क्या बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करके बताओ। तो पहली बात क्या है, सबसे पहले जाओ बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले जाएंगे अपने फर्स्ट रूल पे कि चेक हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इनकी चेक कर लेते हैं। पहले CH4 को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, टेट्राहेड्रल। और ये कैसा, अमोनिया कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अमोनिया पे एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इनकी क्या देखेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो इसकी भी क्या आएगी, sp3 आएगी, इसकी भी आएगी sp3। मतलब क्या है, अपना पहला रूल है फ्लोप हो चुका है, हाइब्रिडाइजेशन तो इक्वल आ चुकी है, पहला फ्लोप है। अब दूसरे पे चलते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक बात है, और लोन पेयर अब्सेंट है, बट यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर अब्सेंट नहीं है, तो अपना दूसरा रूल भी यहां हो जाता है फ्लोप। अब जाएंगे तीसरे पे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे। एक बात याद रखनी है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। ठीक है, या तो इसको याद कर लो या इसको तरीके से समझ लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये जो रिपल्शन हो रही है यहां पे, वो कैसी रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है। बट ये जो रिपल्शन है वो कैसी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है। मतलब ये इसको इधर की साइड धक्का मार देगा, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये थोड़े नजदीक आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, है ना। तो यही बात है कि लोन पेयर प्रेजेंट होने से बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो CH4 में क्या है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अमोनिया में कम होगा, है ना। यही रीजन होता है ना। लोन पेयर बढ़ने से क्या है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। बेसिकली ये बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल है, मतलब बॉन्ड के बीच का ही तो एंगल होना चाहिए, ये बॉन्ड के बीच का ही तो एंगल पूछ रहे हैं वो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो, फोर्थ रूल की बात हम थोड़ी सी डिटेल में करना चाहते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ठीक है, और साइज में क्या है, इसको ऑपोजिट कर दो। यहां पे सेंट्रल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में सेंट्रल एटम ऊपर था, तो साइज के केस में सेंट्रल एटम को नीचे पहुंचा दो कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि H2O एंड H2S में बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है, तो हमेशा बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। डाउन टू अर्थ का मतलब है, सबसे पहले पहला रूल चेक करना है, फिर वो काम ना आए तो दूसरा, दूसरा काम ना आए तो तीसरा, तीसरा काम ना आए तो चौथा, फोर्थ, है ना, फोर्थ ये वाला है अपना। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे, सबसे पहले हम पहला रूल फॉलो करेंगे। पहले रूल में क्या था कि चेक हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देख लें, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ हाइड्रोजन, और ये भी कुछ सिमिलर तरीके का बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ये हाइड्रोजन। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, इसकी भी कितनी होगी, sp3, ऑक्सीजन की sp3, सल्फर की भी sp3। तो कुल मिला के बात क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम है, तो पहला रूल अपना फ्लॉप हो चुका है। अब हमें जाना पड़ेगा दूसरे रूल के ऊपर। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर अब्सेंट हो,
लोन पेयर अपसेंट हो, बट यहां पे लोन पेयर है प्रेजेंट, मतलब दूसरा रूल भी हो गया फ्लॉप। तीसरा रूल क्या बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर प्रेजेंट हो। लोन पेयर प्रेजेंट हो तो क्या है, हम लोन पेयर के नंबर से उसका बॉन्ड एंगल हम देख लेंगे। लोन पेयर के नंबर से कैसे देखेंगे, हमने देखा था कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, बट यहां पे दिक्कत क्या है, लोन पेयर भी क्या है बराबर है, लोन पेयर भी क्या है बराबर है, तो अपना तीसरा रूल भी हो गया फ्लॉप। अब हमें आना पड़ेगा फोर्थ रूल पे, फोर्थ रूल अल्टीमेट रूल है जो अपना, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, देखो अब हमारा, देखो अपना क्या है, साइड एटम दोनों में सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब आंसर आने वाला है अपना सेंट्रल एटम से, अपना सेंट्रल एटम से, तो या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल लो या साइज से निकाल लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस भी सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा ज्यादा। या इसको हम साइज के बेस पे भी निकाल सकते हैं कि सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो सल्फर का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा, साइज ज्यादा तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये अपना, ठीक है। मैं एक बात बॉन्ड एंगल में फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। डाउन टू अर्थ मतलब पहले रूल, फिर दूसरे रूल, फिर तीसरे रूल, फिर चौथे रूल पे जाना है, इसको रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से चलना है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी, देखो थर्मल स्टेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले चेक करो कि अपने को कोवलेंट कंपाउंड दिया है या फिर आयनिक कंपाउंड दिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम पहचाने कैसे कि कोवलेंट है या आयनिक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कंपाउंड में एस ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाए, एस ब्लॉक का है ना, 99% में ये सही जाएगा, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट दिख जाए मतलब वो आयनिक कंपाउंड है, और एस ब्लॉक ना दिखे तो जाहिर सी बात है आपको पी ब्लॉक एलिमेंट दिखेगा, तो वो कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड के केस में देखो, हम यहां से करते हैं कोवलेंट कंपाउंड को देखते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड के केस में थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, है ना। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। मतलब क्या है, बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ये एक ऑर्डर देख लेते हैं, HF, HCl, HBr, HI। देखो अब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ हम सब कुछ देख चुके हैं, और हम देख चुके हैं कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी थी, HF की थी, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। HI की बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो सबसे कम लगेगी, क्यों, क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है ना। तो HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। और आप देख सकते हो कोवेलेंट कंपाउंड है, कहीं भी S ब्लॉक का एलिमेंट इसमें नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड में ना अपने पास दो टाइप के केस आ सकते हैं, दो टाइप के केस आ सकते हैं, या तो मोनो अटोमिक कटायन या अनायन होंगे, या फिर पॉली अटोमिक कटायन या अनायन। अब देखो ये मोनो अटोमिक और पॉली अटोमिक क्या होता है, ये आपको देखने से ही पता लग जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CO3-2, ठीक है, एक आपके पास है H+, ठीक है, एक आपके पास है Li+, एक आपके पास है Fl-, एक आपके पास है सल्फेट आयन है, ठीक है। अब इसमें बताओ कौन सा पॉली अटोमिक है, कौन सा मोनो अटोमिक है, तो देखने से ही पता लग रहा है मोनो अटोमिक मतलब एक, है ना, सिंगल ही तो है, एक H प्लस है, मोनो अटोमिक मतलब एक सिंगल ही तो है, मोनो अटोमिक मतलब एक सिंगल ही तो है, और पॉली अटोमिक मतलब देखो इसमें कार्बन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है, पॉली अटोमिक ये वाला हो गया। पॉली अटोमिक देखो, पॉली मतलब ज्यादा ना, तो पॉली अटोमिक सल्फर भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, ये हो गया अपना पॉली अटोमिक, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोनो अटोमिक कटायन या अनायन होंगे तो अपना क्या फॉर्मूला बनेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब आप बोलोगे कि हम लैटिस एनर्जी कैसे चेक करें, ठीक है, अब आपको बोलना चाहिए कि लैटिस एनर्जी कैसे चेक करें, तो लैटिस एनर्जी चेक करने का सिंपल सा फंडा रहता है चार्ज अपॉन साइज। लैटिस एनर्जी चेक करने का सिंपल सा फंडा है चार्ज अपॉन साइज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जितना छोटा साइज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो ये अपना क्वेश्चन है, मान लो ये अपना क्वेश्चन है कि बताओ इनमें थर्मल स्टेबिलिटी बताओ, है ना। अब आयनिक कंपाउंड है, कैसे चेक किया, मैंने क्या बोला था आयनिक कंपाउंड यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट मिलेगा, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, मतलब ये आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड में भी अपने को चेक करना है मोनो अटोमिक है या पॉली अटोमिक है। देखो लिथियम है ना, लिथियम प्लस मोनो अटोमिक है, हाइड्रोजन माइनस क्या है, एक मोनो अटोमिक है, तो ये मोनो अटोमिक का केस है। यहां थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और लैटिस एनर्जी हमने देखा कि चार्ज
बाई साइज है। सबसे पहले चार्ज चेक करते हैं, देखो लिथियम प्लस एच माइनस, सोडियम प्लस एच माइनस, पोटेशियम प्लस एच माइनस, रूबीडियम प्लस एच माइनस, मतलब क्या है, लिथियम में प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, सब में प्लस वन चार्ज है, और इधर एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, मतलब चार्ज सब में ही बराबर आ रहा है, तो चार्ज से अपना आंसर नहीं आएगा, अपना आंसर आएगा साइज से। जिसका साइज जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब साइज किसका देखना है, देखो हाइड्रोजन तो सब में सेम है, तो हाइड्रोजन का तो साइज देखना नहीं है ना। अब यहां पे अगर देखें तो इसमें लिथियम का साइज सबसे कम है, लिथियम का साइज सबसे कम है तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ये अपना ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। ये तो है मोनोटॉमिक का केस। और यहाँ पे पॉलीएटॉमिक पूछ लिया जाए, देखो पॉलीएटॉमिक आपको देखने से ही पता लग जाएगा, NO3, 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 ठीक है, देखने से ही पता लग जाएगा। अब पॉलीएटॉमिक के केस में क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अब पोलराइजेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अब पोलराइजेशन के। और पोलराइजेशन का तो मेरे ख्याल हम डिटेल में कर चुके हैं कि पोलराइजेशन को हम कैसे देख रहे थे, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये अपना पहला फंडा था। पहले फंडे से आंसर आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो हमने क्या किया था, नहीं आया तो हमने क्या किया था कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ये हम पोलराइजेशन पहले कर चुके हैं, ठीक है। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इससे आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं चार्ज, देखते हैं सबसे पहले चार्ज देखते हैं। देखो लिथियम का प्लस है और NO3 माइनस, वो तो सेम रहेगा, ये भी प्लस वन, ये भी प्लस वन, मतलब चार्ज तो सेम है, तो चार्ज वाला फंडा अपना अब फ्लॉप हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा साइज ऑफ एनायन या फिर साइज ऑफ कैटायन। अब साइज ऑफ एनायन NO3 माइनस सब में सेम है, तो साइज ऑफ एनायन तो अपने को देखना नहीं है, तो अपने को देखना है साइज ऑफ कैटायन। अब साइज ऑफ कैटायन जितना कम होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटायन सबसे कम किसका है, देखो साइज लिथियम का सबसे कम है और पोटेशियम का सबसे ज्यादा है, मतलब क्या है, पोलराइजेशन जो है वो सबसे कम है इस वाले में और पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है इस वाले में। अब पोलराइजेशन का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पे ध्यान रखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, और इसमें पोलराइजेशन सबसे कम है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो इसमें क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी।